नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब रिसोर्सेज जो है वो कुछ रिसोर्सेज डेवलप्ड है, कुछ रिसोर्सेज अनडेवलप्ड है, कुछ रिसोर्सेज सेमी डेवलप्ड है, इसलिए रिसोर्सेज को एक नया क्लासिफिकेशन भी दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि वो डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग को वापस से अगेन पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज आ जाएगा और स्टॉक एंड रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी फोर सब क्लासिफिकेशन है, ठीक है, फोर सब टॉपिक्स है इसके अंदर भी, कौन से पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, पोटेंशियल रिसोर्सेज, स्टॉक, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज और डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं। देखो सबसे इजीएस्ट वे में अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इसके पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ही फोकस करो, पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि वो डेवलप हो सके और किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, बट ये रिसोर्सेज आप लोगों ने यूज नहीं किए, ठीक है, रीड करो पोटेंशियल रिसोर्सेज। Potential resources are resources found in a region which have not been utilized. Example, wind and solar energy, development potential in the states of Gujarat and Rajasthan. Okay, potential resources में यहाँ पर बोला कि विंड एंड सोलार एनर्जी, ठीक है, अब देखो समझो इसको, विंड एंड सोलार एनर्जी कैसे, विंड एंड सोलार एनर्जी, ठीक है, अगर मैं दोनों को यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं कोई रिसोर्सेज अच्छा बना सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आने वाले हमारे जो कंट्री में 2025 में ऐसे भी हो सकता है कि गवर्नमेंट पूरा ऐसे कर दे कि सारे के सारे जितने भी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के यूज होते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी को मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बदले में सोलार एनर्जी यूज करूं, ठीक है, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मैं विंड एनर्जी यूज करूं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सोलार एनर्जी के अंदर कैपेसिटी है कि वो एक रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाए, बट हो रहा है कि अभी नहीं, अब क्या हो रहा है, मोस्टली हम अभी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कैसा है कि ऐसा रिसोर्सेज है जो नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, एक वक्त पे अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रो यानी कि वाटर का हमें यूज करके रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें सोलार के हेल्प के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि विंड, सोलार और वाटर ये तीन ऐसे रिसोर्सेस है, ठीक है, जिन्हें आने वाले वक्त में मैं इसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट अभी मुझे जरूरत पड़ी नहीं है इसलिए मैंने इसे यूज किया नहीं, बट मुझे पता है कि तीनों के तीनों चीजें दे और आर पोटेंशियल, ठीक है, कि वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाए, समझा सभी को, एनी डाउट्स, पक्का, श्योर, ठीक है, ये था हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा रिसोर्सेज जो कि अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक हमने यूज नहीं किया है, बट हम जानते हैं कि आने वाले वक्त पे हम इसका भी यूज करेंगे, ठीक है, हमारे अच्छे दिन आएंगे, ठीक है, मोदी ने कहा है और अच्छे दिन आ गए हैं, ओके, देन डेवलप रिसोर्सेज, अब डेवलप रिसोर्सेज क्या होता है, डेवलप रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम डेवलप कर सकते हैं और वो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड, लैंड की बहुत सारी क्वालिटी होती है, ठीक है, कुछ लैंड होते हैं जो फर्टाइल होते हैं, कुछ लैंड होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, फर्टाइल लैंड कैन बी क्लासिफाइड अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेज, है ना, फर्टाइल है, डेवलप्ड हो चुका है, बराबर, और मैं अगर इनफर्टाइल की बात करता तो उसको भी अगर मैं फर्टिलिटी डालू तो मैं उसको डेवलप कर सकता हूँ, क्लियर हो गया, बिकॉज लैंड को मैं दो चीजों से मेजर कर सकता हूँ, कितने चीजों से, दो फैक्टर्स के थ्रू मैं उसको मेजर कर सकता हूँ, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी कि मैं लैंड की क्वालिटी को मेजर कर सकता हूँ कि इट्स अ फर्टाइल एंड इट्स अ नॉन फर्टाइल, ठीक है, इनको मैं मेजर कर सकता हूँ, क्वांटिटेटिव मैं क्वांटिटेटिव भी मैं मेजर कर सकता हूँ, वन हेक्टर ऑफ लैंड, टू हेक्टर ऑफ लैंड, थ्री हेक्टर्स ऑफ लैंड, फोर हेक्टर्स ऑफ लैंड,
समझ में आया, क्लियर हो गया। और लैंड एक ऐसा रिसोर्सेस है कि मैं वक्त के साथ उसको डेवलप कर सकता हूँ, यानी आज मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहा हूँ तो कल मैं उसको बिल्डिंग खड़े करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज सेम पीस ऑफ अ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस टू। समझा, क्लियर हो गया। तो डेवलप रिसोर्सेस, कंटिन्यू। Developed resources are resources that have been surveyed and determined for utilization, both qualitatively and quantitatively. The development of resources depends on technology and level of their feasibility. Okay, developed resources, ऐसा resources जिन resources को हम दोनों factors से count कर सकते हैं। इस particular में ये चीजें याद रखनी है आपको, qualitative and quantitative. ठीक है, ये दो चीजें अगर आपके दिमाग में ब्लिंक हो जाती है तो आपको डेवलप रिसोर्सेज इजीली आंसर करने को आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो एंड क्वालिटी यानी कि आप उसकी क्वालिटी को भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इज लैंड। ठीक है, आप दोनों को इसको काउंट कर सकते हो, इसलिए वो किसके अंदर आ जाएगा, डेवलप रिसोर्सेज के अंदर काउंट हो जाएगा। सभी को समझा? श्योर? ओके, देन अनदर टू सब क्लासिफिकेशन जहां पर बच्चों को मोस्ट डिफिकल्टीज आती है बिकॉज दोनों रिसोर्सेस में बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, तो वो क्या है, अभी देखो ये दो चीज एक्सप्लेन करने के बाद एक चीज मैं और भी बोलूंगा। ठीक है, वो चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, हालांकि अभी मैं देखता हूँ कि आप खुद वो चीजें पूछते हो कि नहीं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर के बच्चे थे उन्होंने भी कुछ डाउट पूछे थे इसके ऊपर, और लास्ट ईयर के बच्चों ने भी पूछे थे, यानी कि उन्होंने अपना थोड़ा दिमाग यूज किया। ठीक है, तो स्टॉक, आपने स्टॉक मार्केट सुना है? Yes. क्या करता है वो? शेयर्स, बराबर। स्टॉक मार्केट क्या करता है कि जितने भी शेयर है उसको होल्ड करता है और बेचता है, होल्ड करता है और बेचता है। स्टॉक ह्यूमन क्यों परचेस करता है, जितने भी लोग है बिजनेस पर्सन स्टॉक क्यों परचेस करते हैं कि आज मैंने 10 रुपए का स्टॉक लिया तो आने वाले 2 साल बाद, ठीक है, मैं उस 10 रुपए वाले शेयर को मैं 1000 रुपए में बेचूंगा फॉर द बेनिफिट्स। ठीक है, क्योंकि स्टॉक का रेट आगे पीछे होता रहता है, इसलिए उसे स्टॉक बोला जाता है, क्योंकि हम उसे होल्ड करके रखते हैं, बराबर। अब अगर इन जनरल टर्म में भी अगर मैं स्टॉक बोलता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि कपड़ों का स्टॉक खत्म हो गया है, मार्केट में कांदे का स्टॉक खत्म हो गया है, इसका मतलब क्या कि स्टॉक मतलब किसी भी चीज को जमा करके रखना। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट मतलब बोलते हैं कि आप एक्सपेक्टेड करते हो कि उसका प्राइस में वैल्यू बढ़ेगा या प्राइस में वैल्यू कम होगा। ठीक है, ये चीजें होती है स्टॉक। ठीक है, तो वही यहाँ पर वर्ड स्टॉक बोला है। अब स्टॉक का एक्चुअल मतलब क्या होता है, रीड करो स्टॉक। स्टॉक रिफर्स टू मटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। एग्जाम्पल, water is a compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen, which could be used as a rich source of energy if we had the required technical know-how. Hence, it can be considered as stock. Okay, stock. Stock का मतलब ये यहाँ पर resources में बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि stock मतलब हम किसी चीज को जमा करके रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही stock यहाँ पर ये चीजें बोला कि एक ऐसा पर्टिकुलर रिसोर्सेस, ठीक है, जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है जो ह्यूमन के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमन उसे यूज नहीं कर पा रहे। क्यों? बिकॉज इन द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज इन द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल से और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें अब तक उसकी जरूरत नहीं, बट स्टॉक में हमें जरूरत है, हमें यूज करना है बट हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जब मुझे जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो चीजें अलग हो जाता है, और मुझे जरूरत है बट मैं कर नहीं पा रहा, वो चीजें अलग हो जाती है। तो पोटेंशियल एंड स्टॉक, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड स्टॉक ये है कि पोटेंशियल में हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट हम नहीं यूज कर पा रहे, हम नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमें करना नहीं है। ठीक है, हमें जरूरत नहीं है उस चीज की, बराबर। और स्टॉक में ये हो जाता है कि हमें यूज करना है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल वॉटर,
H2O, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं। अब आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगेन एक अलग एलिमेंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अब तक नहीं आई कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि पानी को लेकर मैं उसमें से हाइड्रोजन अलग करूं और उसमें से ऑक्सीजन अलग करूं। समझ रहा है, फेल हो रहा है? तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से मैं कर नहीं पा रहा, बट मैं जानता हूं कि अगर एक बार हाइड्रोजन और वाटर अलग हो जाए तो दोनों मेरे लिए रिसोर्सेस है। बराबर क्लियर हो रहा है? ये था हमारा क्या, स्टॉक। तो वो इनडायरेक्टली स्टॉक बन गया मेरे लिए। इनडायरेक्टली क्या बन गया? स्टॉक। यानी कि आने वाले फ्यूचर में आप जैसे जितने बच्चे हो, इनमें से कुछ चंगू मंगू जो है वो ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे जो वाटर के अंदर से हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स भी अलग करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे कि वो करके दिखाएंगे कि देख मुकेश वर्मा, मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। समझा? ओके, देन नाउ रिजर्व, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टॉक को बोला कि स्टॉक में हम क्या करते हैं, मतलब स्टॉक में क्या होता है कि कुछ चीजें हम रिजर्व करते हैं, बराबर। उस वक्त अगर मैं वर्ड बोलता तो आप बोलते कि सर फिर रिजर्व, अभी देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब रिजर्व के अंदर क्या होता है ये चीजें पढ़ते हैं, कंटिन्यू करो। यस, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, फुल स्टॉक, एक मिनट। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां पर आपको कभी भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो आपको करना क्या है पता है, स्मार्ट वर्क, इसके कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है। क्या पता है? इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, यानी कि पोटेंशियल है बट इन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये दो वर्ड अगर आपके दिमाग में लिंक होती है आपको स्टॉक समझ में आ जाएगा। स्टॉक की पूरी कहानी ये दो पे है, ठीक है। और तीसरी चीज है पानी को याद रखना है, जल ही कलर, ठीक है, वाटर। समझा? और जब आप रिजर्व्स पढ़ते हो तो रिजर्व्स में वेरी फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। नाउ व्हाट इज सबसेट? सबसेट का मतलब ये होता है कि इतने बड़े स्टॉक का रिजर्व इतना छोटा सा पार्ट है। समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? रिजर्व क्या है? स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। बहुत बड़ा स्टॉक का छोटा सा पार्ट क्या है? रिजर्व। इसलिए यहाँ पर वर्ड डाला है रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, स्टॉक का बहुत छोटा सा पार्ट रिजर्व। क्लियर हुआ? चलो कंटिन्यू। विच आई हैड टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बींग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, दस द वाटर इन द डैम्स इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। देखो बहुत छोटा डिफरेंस यहाँ पर डिफरेंस ये है स्टॉक एंड रिजर्व में। रिजर्व को स्टॉक का सबसेट इसलिए बोला है बिकॉज ये केस में भी सेम होता है कि मेरे पास रिसोर्सेज है, मुझे पता है कि रिसोर्सेज, दोनों रिसोर्सेज मेरे लिए पोटेंशियल है, आने वाले इसमें दोनों रिसोर्सेज मुझे काम आ सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर होता क्या है कि मेरे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, मुझे पता नहीं, वही आपने पढ़ा था स्टॉक में। सेम चीजें रिजर्व में भी होता है कि मेरे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है बट मैं कहीं ना कहीं ये भी जानता हूं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पहले के जनरेशन ने कुछ ऐसे भी सिस्टम लाए थे जिसके थ्रू हम उस पोटेंशियल को अलग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है? इसमें क्या हो रहा है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसमें भी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, दोनों में लैकनेस है टेक्नोलॉजी की। बट रिजर्व में मैं ये जानता हूं कि हमारे पुराने टेक्निक से अगर हम करें, ठीक है, उसमें मेहनत जरूर लगेगा बट क्या होगा कि वो जो चीजें जो इसमें नहीं हो पा रही है वो हम इसमें कर सकते हैं। समझ रहा है? क्लियर हो रहा है डिफरेंस हमारे स्टॉक एंड रिजर्व में? पक्का इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टिंग टेक्निकल नोहाउ, इसका मतलब पुराने टेक्निक्स के थ्रू जो अगर हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है तो स्टॉक में कैसा होता है, हमें वेट करना पड़ेगा आने वाले जनरेशन के लिए कि वो कब ऐसे टेक्नोलॉजी लाएगा। बट रिजर्व में हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर इतनी ज्यादा इमरजेंसी है तो हम क्या कर सकते हैं, पुराने टेक्निक से आप यूज कर सकते हैं अगर इतनी ज्यादा एमरजेंसी, क्योंकि बात अगर सर्वाइवल की आती है तो आप कुछ भी करो। समझा? क्लियर हो गया? ये था हमारा रिजर्व वाला पार्ट। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्टेटस का जो ये जो क्लासिफिकेशन है, इनमें इनके बीच में
डिफरेंशिएट बिटवीन बहुत आते हैं. कभी आपको पूछ लेंगे पोटेंशियल एंड स्टॉक का डिफरेंस, कभी आपको पूछेंगे पोटेंशियल एंड रिजर्व्स का डिफरेंस, कभी आपको पूछेंगे स्टॉक्स एंड रिजर्व का डिफरेंस. तो आपको आंसरेबल होना चाहिए, आपको आंसर उसका आना चाहिए, बिकॉज मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है,